जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो भैया आज ईद के चौथे पांचवें दिन मैं घर से निकला हूँ क्योंकि बहुत बोर ईद गुजरी है। तो हम लोग आए आज लेक व्यू और अरसलान मेरे साथ है। तो आज देखते हैं कि लेक व्यू में क्या, लेकिन रश बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगा गाड़ियों का, तो कितना रश। और अभी हम पार्किंग में हैं, अल्लाह के वास्ते दे दो कुछ। और इसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे और रील्स भी बनाएंगे, फोटोज भी बनाएंगे। टाइम बहुत हो गया है तो चलते हैं अंदर, लेट्स चेक इट आउट। तो जी ये देखें, एक तो व्हील लाइन है, हम लोग बिल्कुल एंड पे आके हमने गाड़ी लगाई अपनी, और एक बड़ा लंबा रूट है, बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर पार्किंग नहीं मिल रही थी यहाँ पर हमें। तो जी आज से एक बार फिर से हमारा प्रोग्राम बढ़ गया क्योंकि यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है और शाम भी बहुत ज्यादा हो गई है। खैर फिर भी जितना कुछ कैप्चर हो सका या जो कुछ कर सके वो करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। वीडियो के साथ रहिएगा। तो जी एक दफा आप ये व्यू चेक करें कि क्या व्यू है यहाँ पर पानी का। और इसके पास कुछ थोड़ी बहुत रील्स वगैरह बनाते हैं कुछ, और थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। बाकी लेट हो गए, इंशाल्लाह कभी टाइम से आएंगे तो तब भी आपको दिखाएंगे कि कैसी वीडियो बनती है कैसी नहीं बनती, लेकिन व्यू जो सा है वो सच में बहुत मज़ेदार है। बर्ड हाउस, और अब हम यहाँ पर विजिट करने लगे हैं और देखते हैं कौन कौन से परिंदे हैं यहाँ पर। चलते हैं अंदर। वैसे अंदर जाके क्या करना, सारा तो सेल्फी बनाया हूं क्या। हम आ गए बर्ड पार्क के अंदर और बारिश फिर से शुरू हो चुकी है, तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन से परिंदे हैं और किस किस तरह के परिंदे हैं। और कुछ कैप्चर किए भी है मैंने, कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटो लेकर आपको परिंदों की दिखाएंगे कि किस तरह के परिंदे हैं और क्या क्या है यहाँ पर। तो 300 रुपये का टिकट था, टिकट मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर तो अच्छे अच्छे हमें नायाब परिंदे यहाँ नज़र आ जाते हैं तो फिर तो जस्टिफाई है। तो देखते हैं कौन कौन से परिंदे हैं यहाँ पर और कौन कौन से नहीं हैं। तो जी मशवरा यही है कि जब भी आप अगर इस पार्क में आएँ लेक व्यू पार्क में तो दिन में आएँ, क्योंकि रात को वैसे अगर आपने एंजॉय करना है तो वो तो मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हमें एक मज़ेदार सी वीडियोस बनानी है या पिक्चर्स बनानी है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ के जो परिंदे हैं उनको कैप्चर करना भी ज़रा दिन में आसान है, रात में थोड़ी सी मुश्किल है। तो दिन में आइएगा, इंजॉय करिएगा, आगे गर्मियाँ भी हैं और दिन लंबे होंगे तो आपके लिए ज़रा ईजी हो जाएगा दिन में। ये देखेंगे। अच्छा जी ये हैं जी पहली कौन और आखिरी कौन, मस्त होके सोए हुए हैं, लेकिन ये सो रहे हैं और एक लाइन में सो रहे हैं, आप देखें जरा इनको। उठी, एक उठा एक उठा। ये जी देखें ये घर से बाहर निकल के फिर रही हैं अपने, ये देखें ये देखें, और ये भी देखें जी, ये जो इधर जितनी भी बतखें हैं मतलब जितनी भी डक्स हैं इन्होंने सारी ओपन छोड़ी हैं यहाँ पर, और ये ओपन घूमती रहती हैं यहाँ पर अरे ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारे परिंदे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि अंधेरा हो गया लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि ऊपर क्या क्या है। तो अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। ये हम जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें भी परिंदा नज़र आएगा। क्यों फलान भाई? आई थिंक सो। अच्छा इनको तोते भी खोल देने चाहिए, पता है क्यों? हाँ वैसे उन्होंने ऊपर आप देखे देख सकते हैं नेट लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से भी परिंदा बाहर नहीं जाता। मसला ये कि फिर वो दरख्तों में छुप के बैठ जाएंगे ना, हाँ नजर नहीं आएंगे, लोग फिर देखेंगे क्या उसको। ये इन्होंने एक बैठने का स्पॉट बनाया हुआ जो कि बड़ा अच्छा स्पॉट है, अगर बारिश वगैरह हो रही हो यहाँ, वैसे ही अगर आप परिंदों की आवाज़ें सुनकर इंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये है जी सारा पार्क, मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ ऊपर से। अभी इसी ट्रैक पर चल के हम लोग आगे जा रहे हैं और इसी ट्रैक से हम लोग नीचे भी उतर जाएंगे। फिलहाल ऊपर मुझे अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया हमें, और एक जो चीज़ नज़र आई है वो है मोर। मैं आपको मोर दिखाता हूँ, ये बहुत ही आराम से देखिएगा, बहुत ही क्लोज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है जी वाइट कलर का मोर, और मैं कहता हूँ क्या खूबसूरत मोर है यार, वाह। मैं इसकी पिक्चर यहाँ पर ले लूँ अगर ये उड़े ना तो। कि जो उड़ान थी जो फ्लाइंग थी उसने हमारा 300 पूरा तो कर दिया, मोर ने मज़ा दिया। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और अब हम इससे भी ऊपर जा रहे हैं, मतलब इससे ऊपर भी एक जगह हम देख रहे हैं कि वहाँ से फिर होकर घूम के फिर के फिर हम उधर से नीचे उतरेंगे, और ये वाटरफॉल है और नीचे ही आपको परिंदा नज़र आ रहे होंगे। बड़ा ही मज़ेदार सा एनवायरनमेंट दिया हुआ इन्होंने, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर, बहुत ही सुकून वाली जगह।
ऊपर इतना कुछ एक्सप्लोर करने को था नहीं, हम लोग अब नीचे आ गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितना ये पार्क है या यहाँ पर जो कुछ है वहाँ पर उसके हिसाब से इनको चाहिए कि थोड़ी लाइटनिंग ज्यादा रखें। इन्होंने लाइट बहुत कम रखी हुई है, जिस तरह से हमें या आपको या किसी को भी वो प्रॉपर तरीके से वो चीज़ नज़र नहीं आती कि कौन सा जानवर कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि परिंदे हैं वो ऐसी चीज़ें कि वो जाके दरख्तों दरख्तों में बैठ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से उसके लिए इनको चाहिए कि थोड़ी सी लाइटिंग ऊपर की तरफ से जो नीचे आ रही हो ऐसा कोई निज़ाम करना चाहिए जिससे जो उनसे परिंदा या कोई भी चीज़ तो आपको नज़र आ सके। बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है यहाँ पर। खैर जो जो हमने देखा मज़ा आया देख कर, बाकी मोर ने पैसे पूरे तो करवा ही दिए थे। और जी इन्होंने पोनी घोड़े भी रखे हुए हैं यहाँ पर, आप बच्चों को उसके ऊपर बैठा के राइड भी करवा सकते हैं ये देखिए। और इसके साथ ये गाड़ी भी पड़ी हुई है यहाँ पर, गाड़ी शाड़ी भी आप चला सकते हैं बच्चों के साथ। और इसके साथ साथ वो स्नान भी लगे हुए हैं अपने तोतों को बहलाने, क्योंकि इन्होंने घर भी रखे हुए हैं तो इनको पसंद है तोते शोते। 300 रुपया जी ये लेते हैं राइड का, तो आप इधर आके इनकी राइड शाइड करा सकते हैं बच्चों को, सिर्फ बड़ा नहीं बैठ सकता कोई। एक बहुत मज़े की लोकेशन मुझे यहाँ पर नज़र आई है, मैंने अफसान भाई से कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा शूट करते हैं क्योंकि व्यू बहुत मज़ेदार है, और देखते हैं यहाँ पर क्या रील शील बनती है क्या नहीं बनती। वैसे तो अंधेरा हो चुका है और कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं बन रही, ना कोई पिक्चर बन रही है ना कोई वीडियो बन रही है, तो अब यहाँ जा के पता लगेगा कि क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता। लेकिन मैंने इसकी कुछ शॉट्स लिए इस जगह के, सिर्फ वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे कैसे पिक्चर मैंने यहाँ पर ली हैं, अभी अपनी नहीं ली सिर्फ प्लेसेस के लिए, तो वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलिए देखते हैं कि कैसी व्यू क्या रील बनती है क्या चीज़ बनती है क्या नहीं बनता। दस सेकेंड जी, अभी अभी ऐलान हुआ है कि पार्क की टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है और पार्क जो है वो आप खाली कर रहे हैं, तो हम लोग अब जा रहे हैं सेंट टॉरस।